आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। तो जो हमारे चैनल पर जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आपको अप टू डेट मिलता रहे। तो उससे वक्त गवाए हुए हम चालू करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, तो चालू करते हैं क्या जी, त्रिकोणमिति। आज हम लोग को पढ़ना है त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिएगा। तो देखिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो देखिए त्रिकोणमिति कहते हैं किसको है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो देखिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति जो तीन सबसे मिलकर बना है, पहला त्रि, दूसरा गोनो और तीसरा मेट्री। ठीक है, तो देखिए त्रि मतलब हो गया थ्री, गोनो के मतलब हो गया एंगल। ठीक है, और ये मेट्री जो हो गया, मेट्री जो है मेट्रॉन सबसे बना है। ठीक है, कौन सा सबसे, मेट्रॉन सबसे, यानी कह सकते हैं थ्री के मतलब क्या हो गया तीन, एंगल के कोण और मेट्री के यानी मेट्रॉन के क्या हो गया मापन या माप। ठीक है, माप यानी कहते हैं तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं, तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसी देखिएगा, जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हमारा एक ट्रायंगल आएगा जिसका नाम है क्या जी, हमेशा आता रहता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लिए, तो कहते हैं अगर समकोण त्रिभुज कहते किसको है, तो देखिए समझिएगा, यानी जिसका एक कोण या एक भुज कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, तो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका डिफिनेशन हो गया कि वैसा त्रिभुज जिसका एक भुज या एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा, यानी राइट एंगल और ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, तो इसी में पढ़ेंगे, इसी में देखिए हम लोग पढ़ेंगे इस त्रिभुज में तीन चीज आ रहा है। ठीक है, ये जो हम रेखा देख रहे हैं, ये रेखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको एक बाहर से लेते हैं फिगर। ये हमारा फिगर, ये कौन सा फिगर है, तो इसको हम बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यही है हमारा क्या जी, समकोण त्रिभुज। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज में ये देखिएगा कोण है, यानी 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री यानी ये कोण जो है, यानी कोण के सामने वाला रेखा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण। इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे एच द्वारा सूचित किया जाता है। ये देखिए यहाँ थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। और सो बच जाता है, क्या कहलाएगा, आधार कहलाता है। क्या कहलाएगा, आधार। इसको क्या जिसे बी से, और इसको पी को, लंब को पी से डिनोट करते हैं। यहां तक आप लोग क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो चलते हैं आगे, हमारा ये देखिए छह फार्मूला है। ठीक है, कितना है, छह फार्मूला। और इसी छह फार्मूला पर हमारा क्या है, पूरा त्रिकोणमिति क्या है, क्लियर है। पहला हो गया साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठा कोसेक है। और ये देखिए इसमें तीन याद है, यानी तीन कौन कौन, साइन कॉस टैन। तो हमारा तीन को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसको याद कैसे करना, पहले इसका पहले फार्मूला, ये क्या है फार्मूला। तो देखिए इसका पूरा पहले क्या कहते हैं, फार्मूला। यानी साइन का क्या होगा, तो लंबटा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, लंबटा कर्ण होता है। इसका क्या होता है, कॉस का आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है। टैन क्या क्या हो जाएगा, लंबटा आधार हो जाता है, आधार हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तीन गो है, तीन गो तो लिख दिया हमने। देखिएगा तीन गो उल्टा होता है, यानी एक दूसरे का क्या, जैसे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, तो देखिए साइन क्या होता है, लंबटा कर्ण। तो कोसेक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
कर्णवटा, कर्णवटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्णवटा लंब। उसके बाद देखिएगा कौश है, तो कौश का क्या होता है, आधार वटा कर, तो कोशक का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्णवटा आधार, कर्णवटा आधार। चलिएगा उसके बाद देखिए टेन का क्या होता है, लंब वटा आधार, तो देखिए कॉट का क्या हो जाएगा, आधार वटा, आधार वट्टा लंब, आधार वट्टा लंब। अब हमको इसको याद रखना कैसे, एक देखिए ट्रिक बताते हैं इसको याद रखना है कैसे, ठीक है, इसको याद कैसे रखना है ध्यान दीजिएगा ट्रिक। देखिए तो सबसे पहले क्या आता है साइन, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कॉस, उसके बाद क्या आएगा टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसके जस्ट नीचे लिखते हैं, को ट्रिक को याद रखना कैसे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा ये पहला साइन है, कॉस है, टैन है, इसका देखिएगा उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सॉरी यहां छूट गया थीटा, और टैन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, क्या होता है कॉट होता है। अब देखिए इसको याद कैसे रखना, तो देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा साइन होता है, तो देखिएगा साइन जो है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, देखिएगा ये जो साइन बोला कि सबसे बड़ा जो लड़की रहेगा हम उसी से क्या करेंगे शादी करेंगे, देखिएगा इससे देखिए कौन है सबसे बड़ा, इसमें देखिएगा इसमें देखिए तीन डिजिट है, इसमें कितना है पांच डिजिट है, तो देखिएगा तो सबसे बड़ा यही ना है, तो किससे शादी कर लेगा कोशेक से, यानी कहने का मतलब हो गया याद हो गया मेरा कि साइन का कोचे हो जाएगा कौशिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सबसे छोटका, सबसे छोटका कौन सी है, ये देखिए टाइन है, सबसे छोटा सबसे बड़ा हो गया है, सबसे छोटा बीच में कुछ हो गया मान लीजिए हो गया, तो चलते हैं सबसे छोटका पर, तो देखिए सबसे छोटका बोला है कि हम उसी से शादी करेंगे जिससे हमारा राशि मिलेगा, किससे, जिससे हमारा राशि मिलेगा। तो देखिए तो बउआ इसमें देखिए मेरा एक टी मिल गया, यानी देखिए टी राशि तो एक रो में देखिए टी है, देखिएगा तो ये देखिए मिल गया, यानी ये टेन जो है किससे शादी करेगा कॉट से, यानी कि अब फिर बोला कुछ मतलब हम भी उसी से करेंगे जिससे राशि मिलेगा, तब बोला कि तू तोरा से हम थोड़ा ना कम रहे, तो ला तोरा से कहते यू बोला कि हमरो में दू, तोरा में एगो मिलेगा हमारा दू गो मिला, क्या गो दू गो मिल गया, तो इसमें कौन कौन, एक सी मिल गया एक एस मिल गया ना जी। चलिएगा तो यही तो बोल दिया, यहाँ से हो गया मेरा क्लियर, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा कोशेक हो गया, टैन का क्या हो गया कोट हो गया, और कॉस का क्या हो गया सेक हो गया, यानी कि हम लोग क्लियर हो गए, क्या हो गए क्लियर हो गए, क्या चीज कि हमारा फॉर्मूला याद हो गया। अब इसको याद करना, चलिए सर यहाँ तक याद हो गया, उसके बाद ये सब याद कैसे करना है, चलिए मेरा ये याद हो गया, यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसे हमको याद करना, ये हमारा याद नहीं है। तो देखिए एक नया फॉर्मूला आया है, टी बी टी अब बट्टा एच एच और क्या जी बी, यानी कि ये देखिएगा यहाँ से साइन हो गया, यहाँ से क्या हो गया कॉस हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा टैन हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है, तो देखिए ऊपर से करेंगे तो पी वाई एच, यानी कि कह सकते हैं परपेंडिकुलर बटा कितना हाइपोटेनस, यहाँ से बी एच पी एच, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको हमको एक ट्रिकली याद करना, एक और चलता फिरता फॉर्मूला है, लाल बट्टा, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का है, ये देखिए ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, ये फॉर्मूला जो है ट्रिक जो है बहुत ज्यादा फेमस है, एल के मतलब लम हो गया, ए के मतलब आधार हो गया, और के मतलब कर्ण हो गया। यहाँ से देखिए एक चीज और यहाँ से देखें, दो तीन फॉर्मूला, एक हो गया प्रोफेसर बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले, क्या हो गया, और दूसरा है या पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर हर भोले, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं क्या चीज, पाकिस्तान भूखा पड़ा, क्या जी पाकिस्तान, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, अब बट्टा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, यानी पी से पाकिस्तान, बी से भूखा और पी से पड़ा, और बट्टा नीचे से हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, यहां से हो गया, यानी पी से मतलब हो गया पी वटा एच का मतलब हो गया साइन, यानी कि पी वटा एच का मतलब कुछ, यानी कि पेरिपेंडिकुलर भाई हाइपोटेन, यानी कि लंब बट्टा कर्ण हो गया, यानी कि साइन बटा क्या हो गया लंब बटा कर्ण, बी का यानी कॉस का क्या हो गया बेस बट्टा हाइपोटेन, यानी कि क्या हो गया आधार बट्टा कर्ण,
कॉस का हो सॉरी टैन का हो गया क्या जी आधा लंबटा आधार, लंबटा आधार, इसको हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे हम अपोजिट कर दें यानी कि कोची होता है इसका, यानी कि कोसाइन का क्या होता है, अभी हमने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो देखिए कोसेक होता है, यहाँ क्या लिख देते हैं कोसेक लिख देते हैं। उसके बाद देखिएगा यानी कोसेक का फॉर्मूला हो गया कर्ण बट्टा आधार, सॉरी कर्ण बट्टा लंब हो गया। उसके बाद चलते हैं यहाँ से क्या जी सेक, यानी हमने अभी पढ़ा था क्या जी कॉस का क्या होता है सेक होता, क्या होता है कॉस का सेक होता है। यहाँ से देखिएगा सेक लिखते हैं यानी कि ना सेक ठिट्टा, यानी कि कर्णवट्टा, कर्णवट्टा क्या हो जाएगा आधार हो गया, कर्णवट्टा आधार हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या जी टैन, टैन का क्या फिर पढ़ा था टैन का उल्टा कॉट, क्या जी कॉट। अब ये कॉट का क्या होता है टैन का क्या पढ़े थे अभी, यहाँ देखिए अभी लिखा हुआ टैन का क्या लिखे थे लंबटा आधार, लंबटा आधार, तो लंबटा आधार हो गया यानी कि पेंडिकुलर वाई कितना हो गया बेस, यानी इसको कह सकते हैं कॉट हो गया यानी टैन का उल्टा क्या जी कॉट। तो कॉट क्या हो गया, कॉट क्या हो जाएगा यानी आधार वट्टा लंब, आधार वट्टा लंब हो गया। ठीक है तो चलते हैं चालू करते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है 8.1। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको हम चलेंगे अगले वीडियो में, तब तक की आज तक यहीं तक। और हमारे जो चैनल है यानी ज्ञान सागर, ज्ञान सागर, ज्ञान सागर बाई अमरेश कुमार, क्या जी अमरेश कुमार, तो हमारे वीडियो को यानी कि हमारे इस चैनल पर जब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है आप लोग तक पहुंचते रहे। जय हिंद जय भारत, आज तक यहीं तक।